आपको मानो कोई प्रोग्राम को लेके आना है और प्रोग्राम को देखना है तो प्रोग्राम को सर्च भी करना है। कोई प्रोग्राम को सर्च करने के लिए इधर जाओ, सर्च ऑप्शन में आपका मानो आपके पास बहुत सारा प्रोग्राम है, आप कोई प्रोग्राम को ले सकते हैं, ठीक है। आप मानो हम अभी नीचे ले लो, कोई प्रोग्राम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रोग्राम देखो फेसिंग 60 है, हम बोल रहे नहीं है, हम उसको अलग तरीका लेगा। बोलो मैंने डॉन 1 2 3 4 टैप, इसको इनपुट करो, तुम्हारा पास ये प्रोग्राम आ जाएगा। देखो ये प्रोग्राम आ गया मशीन के ऊपर, ये जो प्रोग्राम आ जाएगा इसको सर्च कर सकते और इसको देख भी सकते कौन सा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, और इसको भी कर सकते तुम लोग, ठीक है। ऐसे करके सर्च करके इसको MDA मोड में अब ऑटो मोड में आप इसको चला सकते, ओके। और उसके अंदर सर्च हो गया, रिसर्च करना है और एडिट करना है, माना इसको कुछ एडिट करना है तो एडिट मारो, इसको पूरा फाइल आ जाएगा, इसको कोई कोई लाइन को आप एडिट कर सकते, बहुत सारा लाइन है, इसको एडिट करने के लिए आपको एडिट मोड में आपका क्लिक करना पड़ेगा, समझ गया ना। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा है, आपको स्ट्रिंग सर्च है, स्ट्रिंग रिप्लेस है, ये सब का हम बारे में बोलेगा। क्यों? इसको देखो कोई कोई चीज को आपका चेंज करना है ना वैल्यू को, तो इसको कौन सा ऑप्शन में होगा, स्ट्रिंग आपका रिप्लेसमेंट करना है और सर्च करना है, कोई को आपको सर्च करना है, रिप्लेस करना है, तो ऐसे ऑप्शन में आपका मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज आपका न्यू प्रोग्राम करना है, मानो न्यू प्रोग्राम करना है, क्या बोल रहा है आपको न्यू प्रोग्राम करना है, तो इसके लिए आपको डबल एडिट करना है और एडिट ऑप्शन में क्लिक करो और ओपन करो, और नहीं तो न्यू प्रोग्राम को आप लिखना पड़ेगा। ऐसे करके आप न्यू प्रोग्राम कर सकते हैं। आप मानो कोई न्यू प्रोग्राम लिखने के लिए आप कुछ नाम दे दो, जो आप मानो इसको हम नाम दे रहे थे टर्निंग, मतलब मिलिंग के लिए फेसिंग कर दिया, पॉकेट कर दिया, ऐसे कुछ नाम दे दो, कंपनी का डिजाइन का नाम दे दो, जो कुछ मन हो वो दे दीजिए, ठीक है। अब मानो आपका पास कोई प्रोग्राम है, वो दे दिया, वो धरो 1 2 3 4 उसके बाद इनपुट कर रहे हैं। देखो प्रोग्राम का एक पेज आ गया जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते, एक एक करके कैसे लिखोगे, जो प्रोग्राम आ गया इसको लिखो जो G90 उसके बाद इनपुट करोगे, ठीक है। MDA मोड में ऑटो मोड में जाओ और उसके बाद प्रोग्राम लिख के स्टार्ट करो, ओके। एक एक मोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गया। और उसके बाद अभी कोई और कोई प्रोग्राम करना है, एक्चुअली कोई डिफिकल्ट प्रोग्राम जो इसके अंदर साइकिल प्रोग्राम भी होता है ना, वो भी लिख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन में, एडिट और डबल एडिट, ओके। डबल एडिट करोगे और इसको नेवी करोगे तो ये नेवी प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, ये सब प्रोग्राम कैसे होता है, जो इसको ऑप्शन में आ जाता है, समझ गया ना। उसके बाद तुम्हारा ऑफसेट पेज कहाँ आता है, ये ऑफसेट पेज होता है, आपका दो ऑफसेट पेज दिखाएगा, आपका एक्स वाई और जेड को तीनों को ऑफसेट लेना है, तो मानो आपका एक्स वाई का ऑफसेट है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहता है, कहाँ रहता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ऑफसेट पेज बोला था G54 55, ये जो होता है ये ऑफसेट पेज होता है। और उसके बाद हम कौन सा ऑफसेट ले रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपका पास ये जो ऑफसेट हो जाएगा, उसके बाद जेड ऑफसेट लाने के लिए आपको सेटअप ऑप्शन में जाना है, ये टूल हाइट ऑफसेट है, जो टूल का हाइट ऑफसेट होता है, समझ गया ना। उसके बाद हम लोगों का बहुत सारा और ऑफसेट होता है W मेजर, मतलब ए एडवांस लेवल को जो ऑफसेट होता है इसके अंदर होता है, ए W मेजर के अंदर तीन चार ऑप्शन दिखाएगा, फेस है, होल है, विथ है, बहुत सारा आपको एक एक करके ऑप्शन तुमको दिखाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ये सब दिखाएगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।